Hello, good morning everyone. Again, I welcome in my channel. Today we have another new topic. Our topic is Unit 1.5, The Necklace. Okay? शुरू करने के पहले हमारे पास कुछ वार्मिंग एक्टिविटीज है, ये हम लोग देखेंगे. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इस तरह आपको आपके बारे में बताना है, ठीक है. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है. उसमें आप मालूम है, अगर आपको बोलेंगे राइट अबाउट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ में क्या आता है? माई नेम, माई बैकग्राउंड, माई फैमिली बैकग्राउंड, आई एम स्टडिंग इन दिस स्टैंडर्ड, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपके आपको आपके बारे में बताना है, ठीक है. तो वो यहाँ बोला है योर नेम, अपियरेंस, आप कैसे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, द प्लेस वर यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो, आपका स्कूल, योर फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी कौन है, आपके नेबर्स कौन है, आपके रिलेटिव्स कौन है, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, दिस ऑल कम्स अंडर योर सेल्फ. ओके, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है, योर हॉबीज एंड व्हाट यू आर गुड, आप किस में अच्छे हो, वो भी आपको बताना है, ठीक है. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. हमारे आप स्टार्टिंग में लेकर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन आपको आपके बारे में सब लिखना है, जो भी आपके बारे में जानते हो, ठीक है. नेक्स्ट अभी नीचे देखेंगे, नाउ क्रिएट एन इमेजिनरी पर्सोना. एक तरफ आपको आपके बारे में लिखना है, आपको दो कॉलम्स यहाँ पे दिख रहा रहेगा. रियल सेल्फ मीन्स आप एक्चुअली में क्या हो, आपको उधर कुछ भी एक्स्ट्रा एडअप नहीं करना है, बना के नहीं लिखना है, आप जो हो, आपका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वही आपको लिखना है, ठीक है. और यहाँ पे है इमेजिनरी पर्सोना, यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करके लिखना है, मैं ऐसी हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, तो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन पावर से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. ये आपका रियल एट्रीब्यूट्स हो गया, ये आपका इमेजिनेशन वाला हो गया. ओके, नेक्स्ट वी हैव माय पर्सोना फॉर योर सेल्फ, इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर रियल सेल्फ. ये वाला आपका इस वाले से एकदम अलग होगा, क्योंकि ये आपने इमेजिन करके लिखा है, सोच के लिखा है आपके बारे में, कुछ सोचा, इमेजिन किया, तो ये वाला अलग होगा, ये आपका रियल वन होगा. ओके, कैरेक्टर फ्रॉम ए नॉवल, स्टोरी एटसेट्रा, आप इसमें कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हो, बारबी ले सकते हो, नॉवल से ले सकते हो, स्नो वाइट ले सकते हो, कोई भी कैरेक्टर आप नॉवल से ले सकते हो. आप खुद को इमेजिन करो कि काश मैं वो होती, तो वो सोच के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट दिस इमेजिनरी पर्सोना एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन दैट रोल. अभी आपको इसने आपने इमेजिन कर लिया, मैं बारबी हूँ, मैं स्नो वाइट हूँ, फिर आपको वो रोल आपको करके दिखाना है कि आप वो रोल में आप कैसे करोगे, ठीक है. सो हियर वी हैव द रियल वन, इट्स रियल यू एंड इट्स दिस वन इज अ पर्सनल इमेजिनेशन पावर. ओके, तो ये आपको लिखना है आपके खुद का थिंकिंग यूज करके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीचे, माई ड्रीम पोजिशन, आपका ड्रीम क्या है, आपका आप क्या करना चाहते हो, राइट. इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ओन मोर देन एनीथिंग एल्स, डिस्क्राइब योर ड्रीम पोजिशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यू मे एड योर ओन पॉइंट्स टू. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, आपको आपका ड्रीम, आपको हेल्प, आपको ड्रीम सोचना है, आपका ड्रीम क्या है वो आपको पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, एंड यू मे एड योर ओन पॉइंट्स. आपका ड्रीम को आप पूरा करने के लिए आप यहाँ पे इसके अलावा आप खुद के पॉइंट्स भी एडअप कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ बीच में दिया है माई ड्रीम पोजिशन वॉट इट इज, मेरा ड्रीम क्या है, मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट. यहाँ दिया है व्हाट वुड यू डू टू गेट इट, आपका सपना पाने के लिए आप क्या करोगे वो आप लिख सकते हो यहाँ पे. आपको अगर कुछ आपको टीचर बनना है, आपको मॉडल बनना है, जो बनना है, तो आपको जो भी यहाँ पे करना है आप उसको ड्रीम को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे आपको लिखना है, ठीक है. वेदर यू वुड शेयर इट विद अदर्स, क्या आपका ड्रीम किसी शेयर करोगे, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका ड्रीम किसी को शेयर करने वाले हो क्या. देन इट्स अपीयरेंस, कलर, शेप, साइज, आपका ड्रीम का अपीयरेंस कैसा होगा, क्या शेप, क्या कलर, क्या साइज, ठीक है. तो वो यहाँ पे दिए, तो आपको लिखना है पूरा ड्रीम के बारे में, आपका ड्रीम का यूज क्या रहेगा. देन वेयर यू सॉ इट फर्स्ट, आपका जो भी सपना था, आपने जो सोचा था मुझे ही बनना है, आपको सपना कहाँ से मिला, आपने कहाँ किसको देख के आपने किया, आपको वो बनने का आपको आइडिया किसने दिया, आपको यहाँ पे लिखना है. व्हाट वुड यू यूज इट फॉर, आपको ड्रीम को पूरा करने के लिए आप क्या यूज करोगे, क्या प्लानिंग करोगे, वो आपको लिखना है. व्हाई यू वांट इट सो मच, आपको आपका वो ड्रीम आपको पूरा क्यों करना है, आप उसके पीछे इतने पागल क्यों हो, आप उसको आपको लिखना है आपके आपके वर्ड्स में. हाउ वुड यू यूज इट, और ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके पास जो भी स्किल है, टैलेंट है, वो आप कैसे यूज करोगे, किस तरह से आपके सपने को आप पूरा करोगे, आपको ये सब चीजें पॉइंट्स यूज करके आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, ठीक है. इसमें आप खुद के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो कि आप आपका ड्रीम कैसे पूरा करोगे, आपका ड्रीम पोजीशन क्या है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें
देखेंगे नीचे हियर दिस वॉज योर सेल्फ एक्टिविटी दिस यू हैव टू डू विद योर ओन थिंकिंग पावर एंड हियर विल स्टार्ट विद द लेसन ओके हियर वी हैव द लेसन द नेकलेस पार्ट वन है ये ठीक है ये स्टोरी है आई विल गिव इन शॉर्ट समरी फॉर टू मिनट्स दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु इज वेरी प्रिटी शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल वेरी चार्मिंग एंड वॉज वेरी वेरी क्यूट लुकिंग बट शी वॉज पुअर वो गरीब लड़की थी उसकी एक गरीब लड़की की स्टोरी है जो बहुत गुड लुकिंग थी बट उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वो खुद को रिग्रेट फील करती थी पछतावा करती थी ठीक है नाउ विल जस्ट रीड आउट द स्टोरी एंड एक्सप्लेन यू ओके सो आवर नेम ऑफ लेसन इज द नेकलेस पार्ट वन मैथिल्डे Mathilde is the name of a girl. I'll underline this word. Yes. So our story begins from here. Mathilde, the name of a girl. जैसे मैंने आपको starting ही बताया कि एक girl की कहानी है, एक लड़की की कहानी है. तो उस girl का नाम क्या है? Mathilde. Okay? Mathilde was a pretty and charming girl. She was a very good looking, very charming girl. उसका face पे हमेशा एक smile रहता था. बहुत cute थी, बहुत beautiful थी. तो she was a what kind of girl? She was a very pretty and charming girl. Born as if by an error of fate into a family of clerks. वो गलती से एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई थी लक बोलते हैं एक बैड लक गुड लक तो उसका नसीब था वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई बॉर्न हो गई बट शी वॉज बॉर्न टू बी अ शी वॉज मेड टू बी अ बॉर्न इन अ वेरी गुड एंड रिच फैमिली वो बड़े घर में पैदा होना चाहिए था वो इतनी गुड लुकिंग थी बट वो गलती से एक नॉर्मल क्लर्क के घर में पैदा हो गई तो लोग उसको देख के सोच रहे इतनी अच्छी लड़की किसके घर की है राइट तो उसकी फैमिली कौन थी क्लर्क थी ठीक है फेट मीन्स नसीब नसीब से हुए क्लर्क के घर में पैदा हुई जो कि उसको किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन अंडरस्टूड लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट वो चाहती थी कि लोग उसको समझे उसको जाने उसको प्यार करे ओके और उसकी शादी किसी अच्छे अमीर घर में वो सोचती थी मैं इतनी गुड लुकिंग आई एम सो ब्यूटीफुल आई एम सो गुड लुकिंग आई एम सो चार्मिंग तो व्हाई शुड आई नॉट गेट मैरिड विद अ रिच पर्सन हैंडसम पर्सन मैं अमीर आदमी से शादी करूँ राइट बट क्या हो गया एंड सो शी लेट हर सेल्फ टू बी मैरिड बट उसने जब खुद की कंडीशन देखी कि उसके पास पैसा नहीं था गरीबी थी ठीक है तो उसने खुद को समझ के उसने क्या किया एक नॉर्मल आदमी से शादी की जो कहाँ पे क्या काम करता था ही वॉज अ माइनर ऑफिशियल छोटे कंपनी में काम करता था माइनर ऑफिशियल में काम करता था एट द मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन में छोटी पोस्ट पे उसका वो आदमी काम करता था उसने उससे शादी कर ली क्योंकि उसने खुद का बैकग्राउंड देखा कि अगर मैं ऐसी हूँ तो मेरे से कोई अमीर आदमी शादी नहीं करेगा जो कि वो चाहती थी फिर वो कंडीशन से उसने ये करके समझौता करके उसने नॉर्मल आदमी से शादी कर ली ठीक है She dressed plainly. उसने नॉर्मल कपड़े डाले थे कोई ज्यादा फैशन वाले कपड़े नहीं डाले थे ठीक है She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. उसने एकदम नॉर्मल कपड़े डाले थे क्योंकि वो कभी भी उनसे अच्छे कपड़े वो खरीद ही नहीं पाई उसके पास वो अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे उसने क्या किया खुद को नॉर्मल से कपड़े में खुद को ड्रेसअप किया ठीक है She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. उसने बहुत सफर किया मतलब छोटे से लेकर बड़े तक she was suffering like anything, but she didn't get the things what she wanted to. उसको जो भी चीजें चाहिए थी luxuries, अच्छे कपड़े अच्छे sandals, whatever, but she was unable to because she was born in a very normal family. एक normal family में पैदा हुई थी इसीलिए उसको ये सारी चीजों की कमी महसूस होने लगी luxuries life उसको नहीं मिली ठीक है She suffered because of her shabby, poorly furnished house. उसका घर जो था उसका घर बहुत शैबी था अच्छा घर नहीं था पुअर था गरीब थी कोई स्टैंड ऑफ लिविंग नहीं था लग्जरियस आइटम्स नहीं थे उसके घर में तो इसीलिए उसको बहुत सफर करना पड़ा उसको सब लोग उसको लगता था कि सब उसको चिढ़ाएंगे कि तेरा घर कैसा है तेरे घर में सामान कैसे है मतलब उसका घर बहुत गरीब था तो उसके लिए भी उसको बहुत पछतावा होता था कि मेरे पास अच्छे घर क्यों नहीं है ठीक है तो आई अंडरलाइन दिस जिसकी वजह से उसको बुरा लगता था All these things that another woman of her class would not even have noticed.
वो उसको लगता था कि अगर मेरे घर पे मेरा कोई फ्रेंड आएगा तो वो सोचेगा इसका घर कैसा है, प्रॉपर फर्निश नहीं है, प्रॉपर अच्छे अच्छे कपड़े नहीं, कैसा घर रखा है, शाबी घर है, छोटा घर है। उसको लगता था कि मेरी फ्रेंड जाएंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो इसीलिए वो खुद को बहुत सफर करती थी, अंदर अंदर उसको बुरा लगता था। बट और किसी औरत ने नोटिस नहीं किया कि उसका घर कैसा है, उसके फ्रेंड्स ने कभी उसको नहीं बोला कि तुम्हारा घर कैसा है, ये वो खुद ही मान के चलती थी, कह रही मैं तो गरीब हूँ, मैं किसको कैसे बुलाऊं, वो खुद से ही अंदर सफर करती थी। ठीक है, टॉर्मेंटेड हर मेड हर रिसेंटफुल, उसको इतना बुरा लगता था, इतना पछतावा होता था कि उसको कभी कभी गुस्सा आ जाता था कि मैं इतनी गरीब घर में पैदा क्यों हुई, मैं इतना, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मैं क्यों और लोग की लाइफ क्यों नहीं जी सकती, मैं लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं जी सकती, इसलिए उसके बाद बुरा लगता था, उसके लिए उसके बाद पछतावा होता था। ठीक है, शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेटियल मैंशन, उसको एक बड़ा सपना था कि मैं छोटा घर छोड़ के एक बड़े से पैलेटियल मैंशन में जाऊँ, बड़े से एक बंगलों में जाऊँ, राजमहल में जाऊँ जो बहुत बड़ा हो, जहां बहुत सारे नौकर चाकर हो, ये उसका सपना था। ठीक है, विद वास्ट रूम्स एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स, उसका घर कैसा होना चाहिए था, एक बड़ा मेंशन होना चाहिए था जहाँ पे अलग अलग रूम हो, जहाँ बैठ के फ्रेंड से बात कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, गेस्ट के रूम अलग होने चाहिए, क्लोज फ्रेंड्स के रूम अलग होने चाहिए, आफ्टरनून चैट दिन में बात करने के रूम अलग होने चाहिए। उसका सपना था कि मेरा जो घर हो वो एक बड़ा सा मेंशन हो और वहाँ पे अलग अलग रूम हो जहाँ बैठ के फ्रेंड्स का टाइम स्पेंड करूँ, रिलेटिव्स का टाइम स्पेंड करूँ और बैठ के अपना अपना आराम से अपना एक अलग सा कमरा हो। ठीक है, ये उसका पूरा प्लानिंग था, ये सारी चीजें वो डिजायर करती थी, चाहती थी। ठीक है, येट शी हैड, आई जस्ट अंडरलाइन दिस कि उसकी डिजायर क्या थी, वो क्या क्या चाहती थी। Resentful means गुस्से में, उसको बुरा लगा। ठीक है, येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स, नथिंग, एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड। उसके पास कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई ज्वेलरीज नहीं थी, प्रॉपर कोई अच्छा कुछ नहीं था जिससे वो और अच्छी दिख सके, इसीलिए वो क्या करती थी, उसको बुरा लगता था कि मेरे पास इतनी सारी चीजें क्यों नहीं, जिससे मुझे प्यार है वही चीजें मेरे पास नहीं है। ठीक है, She wanted so much to charm. उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी ताकि वो और गुड लुकिंग दिखे, वो और अच्छी दिखे, और खुश दिखे, लेकिन उसके पास वो सारी चीजें क्यों नहीं थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी। ठीक है, टू बी एनवाइव, टू बी सॉट, वो चाहती थी कि लोग उसको और ज्यादा प्यार करें, लोग उसके पास अगर गहने आएंगे, ये आएंगे तो लोग प्यार करेंगे, राइट, तो चाहती थी कि लोग मुझे और प्यार करें, मेरे को और सपोर्ट करें, मेरे को सब और पसंद करें। ठीक है, येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स, नथिंग, एंड दीज वर द ओनली थिंग शी लव्ड। उसके पास, मैंने आपको पहले ही बताया, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी ज्वेलरीज नहीं थी, जिन चीजों से उसको प्यार था मैथिल्डे को, उसके पास वही सारे सामान नहीं थे, और उसके डिजायर क्या थी, वो और क्या चाहती थी, शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, वो चाहती थी कि लोग मुझे बहुत पसंद करे, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे, मुझे बहुत ज्यादा ये करे, टू बी इनवाइव, टू बी सॉट आफ्टर, लोग उसको पसंद करे, लोग उसको बुलाए, उसके साथ मिलजुल के रहे, लोग उसकी उसको वैल्यू करे, ये वो चाहती थी। ठीक है, शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, होम शी अवॉइडेड विजिटिंग बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विद रिग्रेट, डिस्पेयर एंड माइजरी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अमीर फ्रेंड थी। ठीक है, और फॉर्मर स्कूलमेट, उसकी मतलब स्कूलमेट थी, उसके स्कूल में साथ में पढ़ती थी, एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल में, होम शी अवॉइडेड, जिसको उसने अवॉइड किया, वो अवॉइड करती थी कि वो उसके घर पे ना आए, उससे मिलने ना आए। ठीक है, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स शी वुड वीप विद रिग्रेट, क्योंकि अगर वो घर पे आके जाएगी तो उसको लगा अगर मेरी दोस्त मेरे घर पे आई तो वो मेरा घर देख के वो मेरे को कुछ बोलेगी, यार तेरा घर कैसा ऐसा है, तो वो सोची कि मेरे को भी रोना आ जाएगा, अगर वो मेरे घर पे आ गई तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे रोना आ जाएगा, इसीलिए वो उसको घर पे अवॉइड करती थी बुलाने के लिए, घर पे अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुलाती थी वो। ठीक है, शी वुड वीप, वीप मीन्स रोना, ठीक है, क्राई करना, अंदर ही अंदर रोना, क्राई विद रिग्रेट, पछतावा, उसको लगा कि मुझे पछतावा होएगा कि अरे मेरा घर कैसा है, डिस्पेयर एंड माइजरी, जो क्योंकि उसके पास जो भी उसको सामान चाहिए था, बिलोंगिंग्स चाहिए था, उसके पास नहीं, उसने बोला कि मेरे फ्रेंड मेरे घर पे आ गए तो मेरे को उस चीज से पछतावा होएगा, बाद में मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये सारे न्यू वर्ड्स है, इसकी मैं आपको मीनिंग्स बाद में लिखवा के दूंगी। ठीक है,
One evening her husband came home with an air of triumph. एक शाम को उनके हस्बैंड मिथिलडी के हस्बैंड घर पे आए और वो बहुत खुशी थे, ऐसे खुश थे. ट्रियम्फ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जीत. ऐसे उनका ऐसे उनकी खुशी हवा में उड़ रही थी. वो इतने खुश थे कि उनकी खुशी हवा में उड़ रही थी. क्यों खुश थे? होल्डिंग ए लार्ज एनवलप इन हिज हैंड. उनके हाथ में एक एनवलप था, उनके मैथिलडी के हाथ में एक एनवलप था जो लेके वो बहुत ज्यादा खुश थे. लुक ही सैड, हियर समथिंग फॉर यू. देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है. हस्बैंड ने किसको बोला? मैथिलडी को बोला कि मैंने आपके लिए कुछ लाया है, देखो ये एनवलप को खोल के देखो. ठीक है. She tore open the paper and drew out a card. और मैथिलडी ने क्या किया, वो एनवलप को खोला और कार्ड को बाहर निकाला. On which was printed the words. उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखा था, कुछ इनविटेशन कुछ लिखा था एनवलप के ऊपर. ओके. द मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन एंड MME को मतलब मैडम बोलते हैं फ्रांस में. क्या बोलते हैं? मैडम बोलते हैं, मैडम. ओके. तो ये वहां पे लिखा था फेक. ये जो लेटर था किसकी तरफ से था? एडुकेशन मिनिस्टर की तरफ से था, हस्बैंड और वाइफ के लिए, मतलब मैथिलडी और उनके हस्बैंड के लिए था. एडुकेशन एंड मैडम जॉर्जिस रैम्पोन्यो रिक्वेस्ट, ये इनका नाम है जिसने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आपको हमारे यहाँ पे खाने पे आना है. ठीक है. ये लेटर इनकी तरफ से था, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. और इसका मतलब होता है मैडम. ठीक है. रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ एम एंड मैडम. एम मीन्स मिस्टर उनके हस्बैंड के लिए और मैडम मीन्स उनकी वाइफ के लिए, मैडम. ओके. तो ये उनके इन्विटेशन लेटर था. लॉयजल्स, वॉट वॉज द नेम ऑफ मैथिलडी हस्बैंड? लॉयजल्स. लॉयजल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री. ये इनकी कंपनी से एक लेटर आया था ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे. किस दिन आया था? मंडे को आया था, 18 जनवरी. मंडे को एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि हस्बैंड को, मैथिलडी को और उनके हस्बैंड लॉयजल को उन्होंने अपने घर पे खाने पे बुलाया था. ठीक है. इट वॉज अ इन्विटेशन फ्रॉम द एडुकेशन मिनिस्टर फॉर द मैथिलडी एंड हर हस्बैंड. ओके. इंस्टेड ऑफ बींग डिलाइटेड, जैसे उसने लेटर खोला, इंस्टेड ऑफ बींग डिलाइटेड, उसको खुश होना चाहिए था. रॉयजल को क्या लगा कि मेरी बीवी ये देखकर खुश होएगी, बट डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, खुश होने के बजाय उसने क्या किया, उसको बुरा लग गया. क्यों बुरा लगा? डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड. उनके हस्बैंड ने क्या लिखा, रॉयजल को क्या लगा कि अब मैं आपको एनवेलप दूंगा तो मेरी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा वो सोच के आए थे. She threw the invitation on the table. उसने क्या किया, invitation, Mathilde ने invitation letter फेंक दिया, table पे फेंक दिया. ओके. On the table resentfully means गुस्से में उसने क्या किया, letter फेंक दिया. And muttered means आपस में बड़बड़, उसने मुंह में कुछ ऐसा बड़बड़ किया. टीचर बोलते हैं ना क्लास में, who is murmuring in the class, राइट? तो अपने में बड़बड़ करना, तो muttered means उसने आपस में कुछ बोला गुस्से में. ठीक है. What do you want me to do with that? तुम क्या चाहते हो मैं इस एनवेलप से क्या करूं? ये एनवेलप का मेरा क्या काम है, क्या करूं इससे मैं? गुस्से में बोला मैथिलडी ने अपने हस्बैंड लॉयजल से. And what do you expect me to wear if I go? क्या बोला? I'll just underline this. ये मैथिलडी ने क्या बोला? What do you want me to do with that? तुम एनवेलप से क्या चाहते हो मैं क्या करूं? और तुम क्या चाहते हो कि वहां पे मैं क्या पहन के जाऊं? अगर हमको जाना है वहां पे तो मैं क्या पहन के जाऊं? मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्या हो गया? ही हैडन्ट थॉट ऑफ दैट. लॉयजल ने सोचा भी नहीं था कि इफ ही विल गिव दिस इनविटेशन, दिस एनवेलप टू हर वाइफ, शी वुड रिएक्ट इन दिस वे. ही डिडन्ट थॉट लाइक सो. ही फेल्ट लिटिल बैड. ही स्टैमर्ड. उसने अपने मन में कुछ ऐसा ये किया, स्टैमर्ड ऐसा बोला और हकला गया, मतलब थोड़ा ऐसा हकलाना, स्टैमर्ड मींस हकलाना, मतलब एकदम शॉक्ड हो गया, वो स्टैमर्ड हो गया, इसलिए उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई. व्हाई, ऐसा क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओके. फिर नेक्स्ट आगे क्या हो गया, विल सी. व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. तुम जो ड्रेस पहन के जाती हो थिएटर में, जो मूवीज के लिए जाती हो, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तुम जब वो ड्रेस डालती हो तो वो अच्छा लगता है, तो वही ड्रेस पहन के क्यों नहीं चलती हो? ठीक है. किसने बोला? लॉयजल ने मैथिलडी से बोला. ठीक है, अपने वाइफ से बोला. ही स्टॉप्ड स्टंट, और वो एकदम
स्टॉप्ड हो गया, स्टंड एकदम शॉक्ड हो गया एकदम, जब उसने देख दिस ही स्टॉप्ड, उसको अपने वाइफ का ये रिएक्शन देखकर एकदम शॉक्ड हो गया कि उसकी वाइफ ने ऐसा रिएक्ट किया. ठीक है, ही स्टॉप्ड, स्टंड, डिस्ट्रेस्ड, और उसको थोड़ा बुरा लगा, मतलब खराब लगा उसको. डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग, अपनी वाइफ को रोते देखकर उसको पहले शॉक हुआ, बाद में उसको पछतावा भी हुआ, बुरा भी लगने लगा. ठीक है, ही स्टटर्ड, उसने पूछा वाइफ से धीरे से, ही स्टटर्ड, व्हाट्स द मैटर, प्रॉब्लम क्या है, क्या हो गया, लेट्स सी मैथिल्डे, चलो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं. ठीक है, लॉजल सेड टू हिज वाइफ, ओके, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, चलो विल बाय अ न्यू क्लोथ फॉर यू, विल बाय अ न्यू ड्रेस फॉर यू, एक ड्रेस का कॉस्ट कितना आएगा, हम आपके लिए कपड़े ले लेंगे. ठीक है, She thought for a moment, then Mathilde ने थोड़ी देर शांत थी और बाद में उसने सोचा. Computing, उसने पूरे ड्रेस का कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया कि दिमाग में अपने कि मेरा वो एक कपड़ा कितने तक का जा सकता है. ठीक है, Computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. उसने कॉस्ट करना शुरू किया अपने दिमाग में और ये सोचा कि मैं कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट आई कैन से टू माई हस्बैंड, माई ड्रेस विल ऑफ दिस बी ऑफ दिस मच अमाउंट सो दैट हिज हस्बैंड विल नॉट रेफ्यूज, मेरा हस्बैंड मुझे मना नहीं करेगा. ये सोच के उसने पैसा कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि जितना अमाउंट मांगेगी उसका हस्बैंड उसको दे देगा. ठीक है, विदाउट एनी रिफ्यूजल, बिना मना किए. एट लास्ट शी आंसर्ड हेसिटेंटली, लास्ट में उसने सोच के हेसिटेट, थोड़ा हिचकिचा के, थोड़ा हेसिटेट करके, ठीक है, आंसर दिया. ठीक है, क्या आंसर दिया उसने, I don't know exactly, मुझे नहीं मालूम मेरा कपड़ा, मेरा ड्रेस कितने कॉस्ट तक का जाएगा, कितने अमाउंट तक का जाएगा, बट आई थिंक आई कुड डू इट विद 400 francs, मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं 400 francs में, 400 francs में मैं अपने कपड़े ले सकती हूँ. ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला, किसने, मैथिल्डे ने हस्बैंड से बोला, दैट आई कैन बाय माय क्लोथ्स, आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया हाउ मच ऑफ कॉस्ट माय क्लोथ्स विल बी, बट आई कैन गो विद द 400 francs इफ यू अलाउ. ओके, इट ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उनके हस्बैंड को थोड़ा पेल, मतलब थोड़ा सा झटका लगा, पेल हो गया, मतलब पेल मीन आपको मालूम रहेगा येलो कलर पड़ जाना, पूरा बॉडी येलो पड़ जाना, तो ऐसा सदमा सा लगा कि मतलब क्योंकि बोला पुअर थे तो उनको थोड़ा झटका लगा, तो वो यहाँ वैसा पेल यहाँ पे यूज किया गया, ही टर्न्ड पेल. ओके, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय ए गन फॉर हंटिंग समर इन द कंट्री, क्योंकि उन्होंने उतने, उनके हस्बैंड ने, मैथिल्डे के हस्बैंड ने उतना ही अमाउंट सेव किया था, 400 francs only he has saved for the hunting purpose in the summer season. Summer में उन्होंने hunting के लिए कुछ amount save किया था और वही amount उनकी wife ने उनसे मांग लिया dressing के लिए. ठीक है, कहाँ पे hunting करने जाने वाले थे लोग, नैंत्रे में. ठीक है, husband ने जो पैसा save किया था वो नैंत्रे में hunting करने के लिए save किया था. With a few friends, अपने कुछ friends के साथ वो hunting करने जाने वाले थे, यही पैसा उन्होंने सेव किया था और उनकी वाइफ ने उतना ही अमाउंट डिमांड कर लिया, इसलिए उनका वो क्या हो गए, थोड़े शॉक्ड हो गए, वो पेल पड़ गए थोड़े से. ओके, उनको टेंशन आ गया. However, he said, very well, I can give you 400 francs. But सब कुछ भूल के उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनाया and he said, yes, definitely, I will give you 400 francs from which you can buy the clothes as per your choice. Okay? Next, we'll see what happened. Okay. Okay, he said he will give you the money. He was agreed to give the money, 400 francs. But he said to his wife, make sure get the clothes which clothes you are going to bought it. That clothes should be of very beautiful. आप जो कपड़ा लेके आने वाले हो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. It should be of good quality and good one also. ठीक है, तो ये मैं एंडलाइन कर देती हूँ यहाँ पे. पेल, देन वी हैव, उन्होंने क्यों पैसा सेव किया था समर में हंटिंग करने के लिए, कहाँ पे हंटिंग करने के लिए, नैंत्रे में, किनके साथ, फ्यू फ्रेंड्स के साथ हंटिंग करने जाने वाले थे. फिर उन्होंने क्या बोला, ही सेड वेरी वेल आई कैन गिव यू 400 francs, 400 francs देने को रेडी हो गए, बट
he said try to get your beautiful dress which would suit you, जो तुमको अच्छा लगे वैसा कपड़ा लेकर आना, ठीक है, beautiful dress लाने के लिए demand किया. The day of the party, अभी उनके husband ने उनको पैसा दे दिया, अपनी wife को, Loisel gave money to her, to his wife Mathilde to buy the new clothes, okay. The day of the party drew near, drew means आना, party का दिन पास में आ गया, आ गया, ठीक है. एंड मडेम, देखो मैंने बोला था ना एम मतलब मडेम, यहाँ पे मैं एम लिख देती हूँ, मडेम, ओके. दैट मडेम लॉयजल सीम्ड सैड, उनका जो हस्बैंड था वो थोड़े सैड थे, ठीक है, रेस्टलेस थे, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, एंग्जियस, अंदर अंदर उनको कुछ तकलीफ हो रही थी, कुछ तो बुरा लग रहा था अंदर अंदर. थॉट हर ड्रेस वॉज रेडी, अभी पार्टी का टाइम पास में आ गया, ठीक है, मडेन लॉयजल सीम सैड, फिर भी वो थोड़ा अंदर अंदर हिचकिचा रही थी, उसको कुछ तो बुरा लग रहा था अंदर अंदर, क्या बुरा लग रहा था हम लोग आगे देखेंगे अभी. वन इवनिंग हर हस्बैंड सैड टू हर, व्हाट इज द मैटर, उनके हस्बैंड ने बोला तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या हो गया, तुम इतनी शांत क्यों हो, तुमको क्या परेशान कर रहा है, ठीक है. व्हाट इज द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज, तुम इतना एक्टिंग स्ट्रेंज, अजनबी को जैसे बिहेव क्यों कर रही हो, बात क्यों नहीं कर रही, व्हाई यू आर नॉट हैप्पी, व्हाट हैपेंड, व्हाट द मैटर, कैन यू शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, ओके. तो उन्होंने रिप्लाई किया, शी रिप्लाइड, मैथिल्डे रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, अभी ड्रेस तो मिल गया, अच्छा कपड़ा मिल गया 400 फ्रैंक्स में, नाउ शी वॉन्टेड अ गुड ज्वेलरी which we can, which she can wear and go to the party, to attend the party, okay. She complained she don't have jewel, उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, ठीक है. Not a single stone to wear, मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, एक भी स्टोन नहीं है, what should I wear to go to the party, मैं क्या पहन के पार्टी में जाऊंगी, I would rather not go to the party, if I don't have jewelry in, why should I go to the party, better I would not go to the party, मेरे पास ज्वेलरीज नहीं है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, ऐसा किसने बोला, मैथिल्डे ने अपने हस्बैंड लॉयजल से बोला, ओके. नेक्स्ट, यू कुड वेयर फ्लावर्स, हर हस्बैंड सैड, लॉयजल सैड, यू कुड वेयर फ्लावर, तुम फ्लावर्स पहन सकते हो, फ्लावर्स का ही फैशन है, फ्लावर्स का भी लोग त्यारा बना के डिजाइन करके फ्लावर्स पहनते हैं, देखा रहेगा आपने, तो उन्हें बोला तुम फ्लावर्स का ज्वेलरी पहन लो, तुम वैसे ही प्रिटी हो और प्रिटी लगोगी, ठीक है. ही सैड दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, अभी फ्लावर्स का ही फैशनेबल फैशन चल रहे हैं ये समय में, तुम फ्लावर्स पहन के चलो, तुम बहुत, यू विल लुक मोर प्रिटियर देन अदर वुमेन्स, ओके. So what husband said to wear the flowers, okay. She was not convinced, but she was not convinced, she was not getting ready to wear the flower because she wanted to wear the jewelries only, okay. Next we'll see what happened. She was not convinced. Who was not convinced? Mathilde was not convinced what her husband said. What, why she was not convinced? Because she doesn't wanted to wear the flower, but because she wanted a jewelries to wear to go to the party. The next day she went to her friend's house and told her of her distress. Next day क्या हो गया, Mathilde, she went to her friend's house and she told about all her the problem, जो भी उनकी problems थी, जो tension था, वो सब उन्होंने share किया, अपने friend से share किया, ठीक है, कि उनको क्या problems था. मडेम फॉरेस्टियर, मडेम फॉरेस्टियर ये एक नाम है, पर्सन का नाम है ये, ठीक है, फॉरेस्टियर नाम है ये, ठीक है. मडेम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वार्ड्रोब, और जो उनकी फ्रेंड थी वो मिरर के पास जाके, एक मिरर वार्ड्रोब था, एक कांच था, कांच के बाजू में एक वार्ड्रोब था, कबर्ड था, वहां पे जाके वो खड़ी होगी उनकी फ्रेंड, ठीक है. Took out a large box, और उसने क्या किया, वो कबर्ड में से एक लार्ज बॉक्स निकाला, बाहर निकाला, किसने, फॉरेस्टियर ने, मतलब मैथिलेल की फ्रेंड ने, एक मिरर, एक वार्ड्रोब में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाला, ठीक है. Brought it back, opened it and sat to Madame Loisel, उसने लाया, उसको खोला, बॉक्स को खोला और मैडम लॉयजल को उसने कुछ बोला, किसने, मैडम फॉरेस्टियर ने, फ्रेंड ने. Choose my dear, she opened the box and she told, choose my dear, I have so many jewelries, you can choose whichever jewelries you want to wear it, which one you like, you can choose that jewelry, okay. First Mathilde saw some bracelets, pehle Mathilde ne kuch bracelets dekhe, jo haath mein pehante hai, kuch bracelets dekhe. Then a pearl necklace, fir usne pearl ke necklace dekhe, motiyon ke necklace dekhe, theek hai, bracelet dekhe, pearl ke necklace dekhe.
शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी, और उसने जो भी ज्वेलरीज देखी, शी ट्राइड ऑल द ज्वेलरीज, ओके, पूरा ज्वेलरीज ने ट्राई किया इन द मिरर, दे जाके देखा मिरर में कि ये ज्वेलरी मेरे ऊपर कैसी लग रही है, ठीक है. शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स एंड कंटिन्यूसली शी वॉज आस्किंग टू हर फ्रेंड, डू यू हैव एनीथिंग एल्स, आई डेंट लाइक दिस ज्वेलरी मच, डू यू हैव एनीथिंग एल्स, इसके अलावा तुम्हारे पास और ज्वेलरीज हैं तो मुझे दिखाओ, ठीक है. सो हियर आई विल वाइंड अप विद दिस. अभी हम लोग आगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब उसको उसके पास ज्वेलरीज नहीं था तो उसको कौन सी ज्वेलरीज मिली, क्या पहन के पार्टी में गई, ठीक है. वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो हियर आई विल जस्ट क्लोज दिस सेशन. नेक्स्ट अगेन विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू एवरीवन.